बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें, मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दो युवतियों के साथ चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मानव तस्करी के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई, सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। तो दो युवतियों के साथ चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये मानव तस्करी की वारदात को अंजाम देते थे। बीते कई दिनों से यहां पर सूचना मिल रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चार लोगों की गिरफ्तारी, सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है छतरपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरह के इनपुट्स मिले, कैसे खुलासा हुआ इस गिरोह का? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए किस तरह से इस गिरोह का खुलासा हुआ है अभिषेक? दरअसल एक नाबालिग लड़की के द्वारा छतरपुर के SP को फोन पर संपर्क किया गया था कि वो नाबालिग है और झारखंड से, जो धनबाद पड़ता है झारखंड में, वहां से एक नौकरी दिलाने के बहाने छतरपुर लाया गया है और उस महिला को फिर बेच दिया गया है और उसका बलात्कार भी कराया गया है और नौगांव के एक व्यक्ति के हवाले से कर दिया गया। नौगांव छतरपुर के पास का एक कस्बा है और जबरन उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और वो किसी तरह चंगुल से छूटकर कोतवाली थाने पहुंची थी और उसे वहां के थाने के लोगों ने भी उस पर कार्रवाई नहीं करी। तो उसके बाद उसने SP को फोन किया और उसके बाद सिविल लाइन थाना में उसके खिलाफ, उसके आवेदन पर एक FIR दर्ज हुई और चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसमें से दो पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिषेक।